यदि आपने थोड़ी भी भक्ति कर ली ना, महाभय से बचाते हो, थोड़ा भी भजन कर लिया, किसी भी योनि में आप चले जाएंगे तो आपको स्मरण बना रहेगा कि किस गलती से, किस चूक से इस योनि में आए। सबको नहीं पता रहता है, मुझे इसीलिए स्मरण था, मैंने शीघ्र उस शरीर को छोड़ दिया, अभी भी मुझे स्मरण है। कहा सुनो एक बात और बताऊं, मैंने तुमसे इसीलिए वचन बोला, मैं कभी नहीं बोलता, आज तक माँ से, पिता से, गुरु से, भाई से, किसी से नहीं बोला, तुमसे क्यों बोला? क्योंकि तुम ही वो हिरण का बच्चा हो, हमारी संगति के प्रताप से तुम आज सम्राट बने हुए हो। संत की संगति से हिरण का बच्चा सम्राट बन गया, और वो हिरण की संगति से संत को हिरण बनना पड़ा था। ये तो हमारा पुण्य था, भजन था, जो वापस था शरीर में आया। खूब सत्संग हुआ, हाँ, भवाटवी का वर्णन हुआ, नरकों का वर्णन हुआ, हाँ, 28 प्रकार के नरकों का निरूपण किया, और ये भी बताया कि मर्त्यावतार त्विहमर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधाये वन केवलम् विभो कुतो न्यथा स्यात् रमतस्व आत्मना सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। देखो भैया, भगवान का अवतार क्यों होता है? आपको मैंने पहले दिन बताया था ना, किस लिए होता है? आज भी अवतार होने वाला है तो जानना चाहिए ना, किस लिए होता है? तीन काम, कौन कौन? सज्जनों की रक्षा करना, परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्टों के विनाश, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना। तीन उद्देश्य होते हैं हर अवतार के पीछे, समझ गए? ये आपको याद कैसे भूल जाते हैं? हम आपको याद दिलाए थे ना, नहीं बताए थे? बताए थे, आपकी आदत है भूलने की। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देखिए, केवल सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश ही केवल उद्देश्य नहीं है ठाकुर का। हाँ, क्योंकि केवल यही उद्देश्य होता तो भगवान वहां से सातवें आसमान से भी ये काम किसी के द्वारा करा सकते थे, करा सकते थे कि नहीं? आपको क्या लगता है कि कोई नहीं कर सकता? हनुमान जी के बारे में याद करो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या बात है भाई, साधु संत के रखवारे, सज्जनों की रक्षा का भार हनुमान जी संभाल सकते कि नहीं संभाल सकते? संभाल सकते, समर्थ है। दुष्टों का नाश कौन करेगा? दुष्टों का नाश अकेले लक्ष्मण जी कर सकते थे, भगवान ने कहा था यही सागर तट है ना? अभी हम लोग राम झड़ोके जाकर देखे, राम झड़ोके आप लोग गए होंगे, वही वो जगह है जहां भगवान ने एक मीटिंग की थी सबके साथ। सागर पर सेतु निर्माण से पहले एक बैठक हुई थी, उस बैठक में जब विभीषण को अपने शरण में रखा, विभीषण मंदिर में देखा होगा आपने, जहां भगवान ने तिलक कर दिया, लेकिन वहां जो वो बोर्ड लगा है ना, उसमें गलत लिखा है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है राम ने राज्याभिषेक किया आफ्टर बैटल, बैटल के बाद नहीं किया था राज्याभिषेक, बैटल से पहले किया था, बिफोर बैटल यहीं पर किया था, वो होली प्लेस है वहां पर। ये गलती, मैंने अंदर जाके पूछा पुजारी से कि जो है राज तिलक जब भगवान विभीषण का किया था और पहले किया था कि युद्ध के बाद किया था? बोले युद्ध से पहले यहीं पर कर लिया था। बाहर बोर्ड में ऐसा क्यों लिखा? बोले महाराज ये वामपंथी सरकार है यार, गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं, अपने मनमानी कुछ से कुछ लिखते हैं, मजबूरी बस, सलाह भी नहीं लेते किसी से।
सही जानकारी नहीं। तो वही जगह है, विभीषण को शरण में रखना चाहिए कि नहीं, इस पर मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में सब ने कुछ से कुछ कहा, किसी ने कहा बांध के रख लीजिए, किसी ने कहा भगा दीजिए, कोई कहा नाक कान काट लीजिए, तरह तरह की बात। आखिरी में भगवान ने कहा कि नहीं, सबका सुनने के बाद भगवान ने कहा बुलाइए, हम उसको शरण में रखेंगे। फैसला हुआ। तो उस समय में सुग्रीव ने मन ही मन कहा कि पहले सबसे सलाह ले लिया और फिर अपने मन की किया। जब अपने मन की करनी थी तो सलाह क्यों लिया हमसे? आज यदि हम अपनी सेना को हटा ले तो क्या कर लेंगे? ये बात विभीषण के मन में थी, प्रभु से कहने की हिम्मत नहीं थी उसको, लेकिन मन में सोचा और ठाकुर हमारे मन की बात जानने वाले। तुरंत राम जी ने कहा, पता है क्या कहा? जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। हे मित्र, एक बात बताऊं, इस लंका को तो छोड़िए, पूरी दुनिया में जितने भी निशाचर हैं उन सबको खत्म करने के लिए हमारा एक भाई लक्ष्मण पर्याप्त है, एक निमिष में समाप्त कर सकते हैं। अचानक कोई ये प्रसंग नहीं था। राम जी ने जब ऐसा कहा तो विभीषण थर थर कांपने लगे, ये सुग्रीव थर थर कांपने लगे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने केवल सोचा, पैर पकड़ लिए प्रभु, नहीं नहीं नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मण जी अकेले सबका वध कर सकते हैं, यही मैं कह रहा था। रक्षो वधाय यही यव ही न केवलम, रक्षा करने के लिए या दुष्टों का वध करने के लिए भगवान का अवतार केवल नहीं होता। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं ठाकुर जी, समझ गए? सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। अपने जन अपने भक्त के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, उनका यश गा गा करके हम सब भाव सागर को पार करते हैं।